बलौदा बाजार भाटापारा के बकुलाही भरतपुर में रियल एनर्जी एंड पावर लिमिटेड में कार्यरत सैकड़ों मजदूर आज संयंत्र के आगू अपन मांग लले के प्रदर्शन करत है। मजदूर मन स्थानीय लोगन ला रोजगार नियमितीकरण और वेतन वृद्धि के मांग करत है। प्रदर्शनकारी मन के आरोप है कि कंपनी प्रबंधन बाहरी व्यक्ति ला ज्यादा पैसा दे के काम करवाते है, उन्हें ओमन ला वही काम के कम पैसा दिए जावत है और स्थानीय लोगन ला काम से भी निकाले जावत है। प्रदर्शनकारी मजदूर मन के कहना है कि जब तक मांग पूरा नहीं करे जाही तब तक शांतिपूर्ण ढंग ले ये प्रदर्शन जारी रही। उन्हें ये संबंध में जब कंपनी प्रबंधन के पक्ष जाने के प्रयास करे गई तो कोई भी जिम्मेदार आगू नहीं आई। प्रदर्शन के दौरान बकुलाही भरतपुर धौरा भाटा मोपका के सैकड़ों मजदूर मौजूद रहीं और सुरक्षा के मद्देनजर ग्रामीण पुलिस बड़े संख्या में उपस्थित रहीं। मांगे है कि यहाँ हमारा जमीन निकला गया है, उस जमीन के तहत गत हम लोगों को यहाँ परमानेंट मिलना चाहिए, हमको यहाँ से हमारा अधिकार मिलना चाहिए और वाजिब रेट जो कंपनी का है वही रेट हमको मिलना चाहिए। हम लोग का यही मांगे है और करीबन हम लोगों को एक साल हो गया यहाँ काम करते हुए और हम लोग को लोकल समझ कर निकाल देता है। बरसात के दिन में आता है तो घर बैठा देते हैं, एक दो रोज काम कराता है, उसके बाद में बोलता है कि तुम लोगों के लिए काम नहीं है, घर में जाओ। तो हमारा जमीन निकले तो हम लोग कहाँ जाएंगे, है बाहरी को ला ला कर यहाँ काम करा रहा है और हम लोग को काम देता ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं तो बोलता है तुम लोग लोकल हो, तुम लोग को हम लोग को काम खींच कर नहीं दे, क्या हम लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं? सबसे ज्यादा तो छत्तीसगढ़ के लोग मेहनत करते हैं ना, है तो हमारा ये जमीन निकल कर हम लोगों को क्यों भगाया जा रहा है? हम लोग को परमानेंट करे, हमारे पीएफ कटे हुए हम चाहते हैं और हमारे मांग था। उस समय 4 महीने 6 महीने पहले हुआ था, उसमें बहुत सारा वादा किए थे कंपनी, उसमें नाकाम हुआ। काफी यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, उन लोग कर नहीं पा रहे हैं, वादा करके मुकर रहे हैं और यहाँ लोकल है ना जो गांव क्षेत्र का आदमी उसको भगाया जा रहा है और बाहरी को लाया जा रहा है। सर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रहेगा? यही स्टॉक रहेगा, फिर से जारी रहेगा। अभी बेरा छोटे से ब्रेक लेके देखत रहो न्यूज 36।